डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज समिश संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर में 5.3 एक्सरसाइज बता रहे हैं। तो 5.3 एक्सरसाइज में श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये लगेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये फॉर्मूला का यूज होगा पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो ये फॉर्मूला आपको मालूम है, आपने जब मूल 10वीं क्लास में मूल ज्ञात किए थे थर्ड चैप्टर में, है ना, मूलों का अस्तित्व श्रीधराचार्य फॉर्मूला से मूल ज्ञात किए थे ना, तो 10वीं क्लास में, तो वही पैटर्न है। पर ये है इसमें, उसमें ना जो मान आता था एक्स का वो वास्तविक संख्या आती थी, इसमें इतना आएगा कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यही लगेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये तो नॉर्मल ही है, इसको आप इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस तीन, और दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये होगा एक्स बराबर अंडर रूट माइनस थ्री। तो देखो रूट के अंदर नेगेटिव होता है तो काल्पनिक संख्या होती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट थ्री आयोटा। ठीक है, तो एक्स का मान ऐसे लिख सकते हैं रूट थ्री प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया है ना, तो यहाँ प्लस माइनस भी आएगा, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो देखिए। क्वेश्चन नंबर दो में हमारे पास है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, इसको हल करो। तो यहाँ देखिए हमारे पास ए कितना है, यहाँ पे ये दो, बी एक्स के सामने कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, और सी ये है, और आप इसी फॉर्मूला में लगाओगे श्रीधराचार्य वाले में, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए। इस फॉर्मूला में मान लगाओगे ये वाला, तो लगाते हैं यहाँ मान, तो माइनस बी तो माइनस एक प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो एक का स्क्वायर चार, ए का मान दो और सी का मान एक बटे में टू, और ए है हमारे पास दो। नेक्स्ट इसका एक्स का जो मान आएगा, अब देखिए माइनस वन प्लस माइनस, रूट के अंदर क्या है हमारे पास, रूट के अंदर है ये एक माइनस ये चार आठ, और बटे में आ जाएगा चार। देख लो ये आठ है, आठ में से एक घटाएंगे तो माइनस सात आएगा। तो इसमें और उसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसमें सभी क्वेश्चन है ना रूट के अंदर नेगेटिव आएंगे आयोटा बनाने के लिए, और बाकी का जो 10वीं क्लास में था वो रूट के अंदर नेगेटिव आता नहीं था, वो वास्तविक संख्या थी, ये काल्पनिक है, इतना अंतर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे आगे, इसको लिखेंगे माइनस वन प्लस माइनस, रूट के अंदर नेगेटिव होता है ना तो आयोटा लग जाता है, तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट सेवन आयोटा, क्योंकि फॉर्मूला आपको मालूम है रूट के अंदर माइनस वन का मतलब आयोटा होता है। ठीक है, तो ये आया अपॉन कितना आया चार, तो इसका एक्स का मान ये आया, ऐसे आपको ये हल करना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला बेस पे हैं, तो इस फॉर्मूला बेस पे सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको करने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर तीन देख लो। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास दे रखा है, थ्री में दे रखा है एक्स स्क्वायर और प्लस के तीन एक्स और प्लस के नौ बराबर जीरो, ये इसको हल करो। तो ये कह रहा है इसको हल करिए। तो देखो मैंने आपको बताया था श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हल करना है, और रूट के अंदर माइनस का आ जाता है तो आयोटा लगा देती हैं, माइनस को ख़त्म कर देती हैं। देखो एक बार और देख लो अच्छी तरह से, इसके सामने ए है, ए तो एक है, और बी हमारे पास तीन है, ये वाली ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये आपने टेंथ क्लास में किया था। तो फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला में लगाएंगे एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी
और बटे में टू ए। चलो यहाँ मान लगाते हैं, तो यहाँ पे मान लगाया माइनस के तीन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और तीन का स्क्वायर चार, ए का मान है एक और सी का मान है नौ और बटे में टू और ए एक। नेक्स्ट आगे देखिए तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट तीन का वर्ग हो गया नौ और ये चार निम छत्तीस ही आए माइनस की और बटे दो। अब छत्तीस में से नौ जाएंगे, छत्तीस में से नौ घटाओ तो कितना आएगा, छः निकल गए और तीन और निकल गए तो सत्ताईस आया माइनस का, माइनस के सत्ताईस और बटे में दो। आगे इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस थ्री प्लस माइनस सत्ताईस के गुणनखंड कर लो तुम ऐसे तीन तिया नौ तीस सत्ताईस और बटे में दो। अब एक जोड़ा में से तीन बाहर आ जाएगा तो ये आएगा माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री और अंडर रूट में आया माइनस तीन और बटे दो। तो मैंने आपको बताया था रूट में नेगेटिव होता है तो ये रूट तीन आएगा साथ में आयोटा आ जाएगा, तो इसको आप लिखोगे माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री और इसको लिखोगे रूट थ्री आयोटा और बटे में दो। देख लो मैंने ये कहा था आपको माइनस वन आयोटा होता है तो माइनस थ्री हो जाएगा रूट थ्री आयोटा, ऐसे होगा ठीक है ना। तो ये आया, अब इसमें ज़्यादा करो तो भाई तीन दोनों में से कॉमन ले लो, इतना कर सकते हो और कुछ नहीं होगा। तो तीन हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा बटे में दो, ऐसे ये एक्स का मान आएगा ठीक है। तो आपको ये पूछा है इसको हल करो, तो हल का मतलब ये है कि इसका एक्स का मान निकालो और रूट में नेगेटिव आएगा, सब पूरी एक्सरसाइज में रूट में नेगेटिव आएगा तो आपको रूट में जैसे ही नेगेटिव आता है तो आयोटा लगाना है ठीक है। आयोटा का मतलब काल्पनिक संख्या, तो इसमें वास्तविक संख्या तो ये वाली है आगे आगे और आयोटा जिसके साथ होता है वो काल्पनिक होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं सब बता दे रहा हूँ और आप प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन फोर में हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स माइनस का दो बराबर जीरो। तो पहले तो भाई एक्स स्क्वायर के सामने से माइनस खत्म करो, तो माइनस का गुणा कर दो दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव बोथ साइड, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, ये आया। अब यहाँ पे ए बराबर है हमारे पास, इसके सामने क्या है कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, बी बराबर इसके सामने माइनस है तो माइनस वन माना जाएगा और सी बराबर ये दो माना जाएगा और सीधा चार वाले फॉर्मूला में लगाना है। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के हैं तो आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को कर सकती हो, इसमें आपको मान लगानी है और रूट के अंदर नेगेटिव आएगा और वहाँ पे जो सीधा चार वाला फॉर्मूला था दसवीं क्लास में वहाँ रूट के अंदर पॉजिटिव आता था, इतना अंतर है बात। तो आगे देखिए माइनस बी, तो ये माइनस और बी का मान है माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो माइनस एक का स्क्वायर और चार, एक कितना हमारे पास एक और सी है दो और बटे में टू और ए एक। आगे देखिए एक्स बराबर माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर देखिए माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है और चार दूनी आठ तो माइनस के आठ हो जाएंगे और बटे में दो। अब वो आगे आएगा माइनस वन प्लस माइनस, ये अंडर रूट आठ में से एक गया तो अंडर रूट सात माइनस की और बटे में दो, ये आया। अब वो रूट के अंदर नेगेटिव, मैंने आपको बताया था रूट माइनस वन इक्वल्स टू होता है आयोटा और रूट माइनस थ्री हो जाएगा रूट थ्री आयोटा
और रूट माइनस सेवन हो जाएगा रूट में सेवन आयोटा। तो ये रूट में सेवन आयोटा होगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो रूट सेवन आयोटा बटे दो, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चार हुआ। अब एक क्वेश्चन और देख लो, देखो पांच क्वेश्चन इसमें बता दूंगा, इसमें दस क्वेश्चन हैं तो आगे वाली वीडियो में पांच क्वेश्चन दे दूंगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर पांच देखिए, क्वेश्चन नंबर पांच में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस पांच, एक्स स्क्वायर प्लस के तीन एक्स प्लस के पांच बराबर जीरो। हल कीजिए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, हल करो। तो इसके सामने कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, तो ए का मान है एक और ए ए है, ये बी है, ये सी है, बी का मान है तीन और सी है हमारे पास पाँच। और सीधा चार वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बटे टू ए। आगे देखिए माइनस बी का मान कितना है, माइनस तीन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो यानी तीन का स्क्वायर माइनस चार, चार और ए का मान है एक और सी है पाँच और बटे में टू और ए का मान एक। नेक्स्ट माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट तीन का वर्ग हो गया नौ और इसका इसका गुणा करेंगे तो माइनस के बीस आएंगे और बटे में आएगा दो। आगे माइनस तीन प्लस माइनस बीस में से नौ गए तो माइनस के ग्यारह अंडर रूट में और बटे में दो। तो मैंने आपको कहा था रूट के अंदर माइनस है तो आयोटा लगाते हैं और माइनस को ख़त्म करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ग्यारह आयोटा और बटे दो, ये आएगा एक्स का मान। तो ऐसे आपको ये हल करने हैं। इसमें कोई भी डाउट्स नज़र आ रही है ना तो फ़ोन करके पूछ सकते हो, सिंपल सिंपल सवाल हैं, जैसे श्रीधराचार्य विधि से सवाल करते थे वही सवाल हैं। बस इतना है कि उसमें सब वास्तविक संख्या थी, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता था, इसमें रूट के अंदर ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव को हटा के और आयोटा लगा देती हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा तो काल्पनिक है आयोटा वाला और ये जो बिना आयोटा वाला है ये वास्तविक संख्या है। तो हमने आपको बताया था सम्मिश्र संख्या में यही तो होता है, सम्मिश्र संख्या जो होती है ना, सम्मिश्र संख्या वो इस टाइप की होती है ए प्लस आयोटा बी। तो भाई ये हिस्सा तो होता है वास्तविक और ये होता है काल्पनिक क्योंकि इसमें आयोटा है। ठीक है, तो ये है बस। और तुम्हारे टेंथ तक जो था वो वास्तविक संख्या ही थी, काल्पनिक नहीं थी, अभी इलेवंथ क्लास में ये काल्पनिक संख्या आई है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी का आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर सिक्स में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस दो बराबर जीरो, इसको भी हल करना है। तो यहाँ देखो a बराबर हमारे पास एक है, इसके सामने, इसके सामने ये b का मान माइनस एक है और c बराबर दो है और आप इसी में मान लगाओगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बटे में टू ए। तो माइनस बी माइनस और ये माइनस वन, b का मान माइनस वन है और बी स्क्वायर तो माइनस वन का स्क्वायर और चार, a का मान एक और c का मान दो और बटे टू और ए एक है। अब ये देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस एक का तो प्लस एक आएगा और इसका गुणा करेंगे तो माइनस आठ और बटे में दो। और आगे ये होगा एक्स बराबर एक प्लस माइनस अंडर रूट सात और बटे में दो। तो यही मान आएगा इसका, माइनस को प्लस बना देंगे ऐसे, आयोटा लगा देंगे माइनस हटा देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करना है।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें 10 क्वेश्चन हैं, तो 10 के 10 क्वेश्चन तो मैं बता दे रहा हूँ और प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7 देख लो रूट वाला है, चलो 8 वाला भी रूट वाला, तो 8 वाला ही देख लो। तो अंडर रूट 3, ये 7 और 8 एक जैसी हैं, तो मैं 8 बता रहा हूँ। रूट 3 एक्स स्क्वायर और माइनस के अंडर रूट 2 एक्स और प्लस के 3 अंडर रूट 3 बराबर 0, ये है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 ये है ना, ये होमवर्क में जैसा ये क्वेश्चन है रूट वाला, ऐसा ही ये वाला है, ठीक है। तो 7वां रूट का कर लेना। तो यहाँ देखो a बराबर हमारे पास ये अंडर रूट 3 और b हमारे पास ये माइनस अंडर रूट 2 और c हमारे पास ये है 3 अंडर रूट 3, ठीक है। तो अब आप x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और 4ac और बटे 2a, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। जब तक ये आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा मान किस में लगाओगे, इसीलिए ये आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, इसमें मान लगाते हैं तो माइनस और बी का मान है माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस के 4, ए का मान है हमारे पास अंडर रूट 3 और सी का मान है 3 अंडर रूट 3 और बटे में 2 और ए का मान रूट 3। देख लो एक बार फिर देख लो, ए बी का मान है माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4, ए का मान है अंडर रूट 3 और सी का मान है 3 अंडर रूट 3 बटे 2 और ए का मान अंडर रूट 3। अब इसको आप हल करके और आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस आया। यहाँ पे माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो प्लस 2 हो जाएगा और ये अंडर रूट 3 का गुणा 3 और 3 का 3 में 9 और 9 चौक 36, तो ये आएगा और बटे में 2 अंडर रूट 3। अब आगे करना है तो आगे होगा, यहाँ से देखिए अंडर रूट 2 प्लस माइनस 36 में से 2 गए तो अंडर रूट 34 और बटे में 2 अंडर रूट 2। देखो 17 दूनी 34 होता है, तो 17 भी अचर संख्या है और 2 भी अचर संख्या है, तो इसमें से बाहर निकल के कुछ आएगा नहीं, तो आप इसको ऐसे ही लिख दोगे। तो यहाँ देखिए इसका आंसर आएगा अंडर रूट 2 प्लस माइनस, माइनस लगा है अंदर तो माइनस को हटा के और ये अंडर रूट 34 लिखो और आयोटा लिख दो साथ में, अंडर रूट माइनस 1 का मान आयोटा होता है और बटे में 2 अंडर रूट 2, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अभी और करना चाहो तो आप अंडर रूट 2 कॉमन भी ले सकते हो, देखो कैसे करेंगे। तो ये अंडर रूट 2 है और प्लस माइनस ये अंडर रूट 34 को हम लिख सकते हैं 2 और 17 आयोटा और बटे में 2 अंडर रूट 2। आगे देखिए ये अंडर रूट 2 भी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 इसमें से कॉमन ले लो ऊपर से, यहाँ से और यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो यहाँ से 1 आएगा प्लस माइनस ये इधर चला जाएगा, तो ये अंडर रूट 17 बचा और आयोटा और बटे में 2 अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट 2 काट दोगे तो ये आंसर आएगा अंडर रूट 17 आयोटा बटे 2, ये एक्स का मान आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये हल करना है। अब इसके बाद ये 19 हो गया और 8 हो गया, अब 9 10 में से 1 देख लो, तो ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी और इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इजी है, ये पूरा चैप्टर इजी है आपके लिए, इसीलिए इसको अच्छी तरह से रिवाइज करोगे तो आपके ये क्वेश्चन 100% सही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 10 देख लो लास्ट, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे अंडर रूट 2 और प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ देखिए इसमें इसके सामने 1 है, तो 1 का मान तो 1 है
और बी का मान है इसमें एक बटे अंडर रूट दो एक्स का जो कोफिशियंट है, कोफिशियंट ऑफ एक्स होता है ये बी, और ये अचर संख्या है सी। अब इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे सी द्वारा चल वाला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए, तो ये माइनस बी तो माइनस और एक बटे अंडर रूट दो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो एक बटे अंडर रूट दो का स्क्वायर और चार, ए का मान एक और सी का मान एक, तो एक गुणा एक और बटे में टू और ए का मान एक, ये आएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, तो माइनस एक बटे अंडर रूट दो आगे प्लस माइनस एक बटे अंडर रूट दो का वर्ग करेंगे तो एक बटे दो आएगा, और माइनस ये चार और बटे में दो। एक्स बराबर आगे देखिए, माइनस एक बटे अंडर रूट दो और प्लस माइनस चार में से और आधा गया तो साढ़े तीन बचेगा, तो इसको माइनस का बचेगा सात बटे दो और बटे में दो। अब माइनस को ख़त्म करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और आयोटा लग जाएगा, तो ये अंडर रूट सात बटे दो यहाँ लिख लो और आयोटा और बटे में दो। अगर इससे आगे नहीं कर सकते हो आप तो लास्ट में क्वेश्चन को कभी गलत मत करना, ठीक है। ज़्यादा करो तो ये अंडर रूट दो है तो इसको नीचे ला सकते हो, तो ये आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट सात आयोटा बटे अंडर रूट दो, अंडर रूट दो नीचे आ जाएगा तो दो अंडर रूट दो हो जाएगा, तो ये एक्स का मान आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।